हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं चाहता था ये वीडियो नहीं बना सकता था, जनरली वैसे वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने सोचा कि यार चलो सही है, मैं तो सेफ हो गया, लेकिन कोई और है जो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि 3 दिन पहले मेरा जो एक्वा गार्ड है वो खराब हुआ। मैंने उससे पहले हैवल्स को भी ट्राई किया, मेरी बिजी होने की वजह से उन्होंने पिक नहीं हुआ फोन, और तो मैंने भी ज़्यादा फिर मैंने दूसरा वे सोचा कि मैं ऑनलाइन चेक करूँ कि नियर बाय कोई भी हो सही करने के लिए, तो उसको बुलाया जाए और सही कराया जाए। तो जैसे मैंने कॉल किया, इतने 5-10 मिनट्स में एक कॉल आती है और सभी सईद नाम का बंदा जो अपना नाम बताता है उसमें, वो कहता है कि सर आप लोकेशन भेजिए, हम सही करने आते हैं। तो देखा मैंने उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, और डॉक्यूमेंट्स वो तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स थे। अब रियलाइज कैसे हुआ, लेकिन हाँ आप फर्स्ट लुक में आप नहीं बता सकते कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लोग हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स और वही वर्दी पहनी, उसी टाइप के लोगो, सब कुछ तो सही है। वो आगे अलाउ कर दिया मैंने उनको, तो उन्होंने चेंज किया। लेकिन जब वो चेंज कर रहे थे तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, जैसे जब भी वो फिल्टर चेंज कर रहे थे तो मतलब दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते थे ताकि मुझे कुछ दिखे ना। फिल्टर्स दिखाए उन्होंने, पैकेट्स दिखाए, लेकिन बाद में जैसे मैंने चेक किया तो पैकेट्स का जो ओरिजिनल है और जो डुप्लीकेट उन्होंने लगाए हैं उसमें वेट का डिफरेंस होता है। जो डुप्लीकेट होते हैं बिल्कुल हल्के से होते हैं वो, ये तो मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग सेफ हो, ये अवेयरनेस पहुंचे। और एक कारण और भी है, वो बताऊंगा अभी आपको। तो जब ये देखा मेरे को एक्टिविटीज, और प्लस जो प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी रही, मैंने कहा कि अभी तो आप डेमो दीजिए, अगर सही मतलब पानी नहीं बन रहा था उसमें, तो तब भी वो पानी बना नहीं। फिर उन्होंने कहा सर हमने इसको रीसेट कर दिया है और आफ्टर 1 आवर आप इसको स्टार्ट करके देखना और पानी आएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 3-4 बार सर्विस करा रखी है और उस पानी उसी टाइम पे आ जाता है, डेमो जो भी पर्सन आता है, जो भी टेक्नीशियन आता है, उसी टाइम पे डेमो देकर चला जाता है, ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर प्लस उन्होंने मेरे को एक, मैंने आप उनसे डॉक्यूमेंट मांगे तो उन्होंने एक AMC की भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि आप अगर AMC, देखिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर आप AMC लेते हैं, वी आर रियल टेक्नीशियन, ऐसा बोला, कन्विंस किया मुझे, और AMC के वो भी दिखाए। मैंने AMC की वो बोला कि आप दो मुझे रिसिप्ट, वो ले ली मैंने रिसिप्ट। तो मैं जिनसे सर्विस कराता हूँ, मैंने तो जो उनसे कन्फर्म किया कि भैया ये ऐसे रिसिप्ट इन्होंने दी है और हैवल्स की दी है, बिल्कुल उसमें हैवल्स का लोगो है और ये इनका कंपनी का है, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो उन भैया ने मुझे बताया कि ये भैया फ्रॉड है। उसके बाद मैंने हैवल से कंफर्म किया, हैवल के जो पर्सन है वहां कस्टमर केयर में, तो उसके बाद मतलब दूसरे रूम में जाकर, तो उसके बाद उनका भी रिस्पांस आया कि ये जेन्युइन नहीं है। अब मैंने उनसे बोला भैया मुझे अभी डेमो दे रहे हो तो ठीक है, मैं आपको पेमेंट करता हूं, नहीं तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला। तो इतने में जब ये हुआ, उनको भी शक हो गया कि इसको पता चल गया है, क्योंकि मैं बार बार बाहर जा रहा था, जो भी इन्होंने रिसिप्ट नंबर दिए थे मुझे वो भी बिजी जा रहा था, वो कोई पिक नहीं कर रहा था। मैंने ये भी बोला कि इसमें कोई पिक नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है सर बहुत बिजी हो, चलो 1% मान लिया कि वो बिजी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जब आप डेमो दोगे तो ही मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब वो फ्रॉड थे, डेमो हुआ नहीं तो वो चले गए, मैं थोड़ी बहस हुई हमारी लेकिन फिर वो चले गए। इसके बाद हैवल्स वाले जिनसे मेरी बात हुई थी वो आए, उनको मैंने रिसिप्ट दिखाई, और हाँ AMC का वो बोल रहे थे 6500, जो कि मुझे याद है जब हम फरीदाबाद में भी थे और बेंगलोर में जब मेरे को सर्च कर रहा था AMC के लिए, तो ये करीब अराउंड 5000 समथिंग था, तो वो एक अमाउंट गलत बोला उन्होंने। दूसरा उनसे वो फिट नहीं हुआ, जैसे प्रॉपरली फिट होता है एक्वागार्ड, वो फिट नहीं हुआ। तीसरा वो दोनों कवर कर रहे थे, जब भी कुछ फिटिंग कर रहे थे तो कवर कर रहे थे, वो शक हुआ। रिसिप्ट जो उन्होंने दी वो तो थैंक्स मेरे वो जो पुराने टेक्नीशियन है उनका अभी नंबर है मेरे पास, तो उनसे मैंने कन्फर्म किया तो वो भी बता रहे थे कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है। तो इसमें मैं ही कहना चाहता हूं कि मैं तो सेफ हो गया। नेक्स्ट डे जब ओरिजिनल टेक्नीशियन आए, उनसे मैंने पता किया, तो उन्होंने बताया कि ये तो सब गलत है,
ये एक फ्रॉडी लोग हैं और ये ऑलरेडी पहले भी दो तीन घर, मतलब जहां पर मैं रहता हूँ सोसाइटी, उससे और आगे मतलब तीन चार गली में दो तीन घरों के साथ और हो चुका है। तो ये अच्छा, हाँ इसके बाद में मैंने यहाँ क्लिप्स निकाली, उनकी पिक्स निकाली है और पिक्स है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ अभी इसमें और वो रिसीट भी दिखाऊंगा। इवन इसके बाद में पुलिस स्टेशन भी गया मैं, किस लिए? अपने लिए नहीं, मेरे तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि यार ऐसे लोग जब तीन चार घरों में ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं, उसके बाद ये फिर कर रहे हैं, तो पुलिस में गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां भी वो लोग कह रहे हैं सर हम कॉल कर लेंगे, पिक कर लेंगे, हम इनको कैसे ट्रेस कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे ट्रेस, सीधा उन्होंने बोला। तो भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या कि आज उन तीन जनों के साथ हुआ, फिर वो तो सही है मेरे पास वो नंबर था, मैंने इंक्वायरी की, थोड़ा शक हुआ, ठीक है मैं बच गया, लेकिन और भी आगे करते रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पास बैकअप नहीं होता, कॉन्टेक्ट नहीं होता या इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई है ताकि एक सोशल मीडिया, मुझे लगा कि हम जहां पर इसको शेयर कर सकते हैं और इन लोगों को पकड़वा सकते हैं, तो मैं शेयर करता हूं उसकी पिक और वो रिसिप्ट जो उन्होंने मुझे दी थी, ताकि कल के दिन किसी और के साथ भी हो तो वो सेफ रहे। दिखाते हैं इनको सोशल मीडिया की ताकत, आई होप कि हम सब करें, कोशिश करें और इनको पकड़वाएं, ये जो जोंक है हमारे समाज में जिनको हर चीज फ्री में चाहिए और वो भी दूसरों को लूट कर। तो आशा करता हूं कि आप इसमें ध्यान देंगे, कल के दिन अगर आपने ध्यान दिया ठीक है, कल के दिन कहीं ना कहीं घूम के फिर हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये होता है, तो प्लीज टेक केयर और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को हम पकड़वा सकें। तो मैं दिखाता हूं आपको रिसीप्ट और इसकी फोटो।